नमस्कार दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल एक कॉर्नर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इंडसइंड बैंक के बारे में। आप सभी भी ये जानते होंगे कि डिजीपे के अंदर कैश डिपोजिट सर्विस जो है जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो आपको आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आप जो भी मनी ट्रांसफर करते हैं या जो कैश विड्रॉल का जो काम करते हो डीजीपे के अंदर वो आसानी से कर सके। तो इसलिए सीएससी ने इंडसइंड बैंक के साथ जो है एक एग्रीमेंट कर लिया है। इसके अंदर आपको जो पूरी तरह से बिना कोई डॉक्यूमेंट भेजे, बिना कोई वेरिफिकेशन के आपके सेंटर के आपको जो है करंट अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास जो है सीएससी आईडी होना चाहिए। तो इतना अगर आपके पास है तो आप जो है आराम से अपना सीएससी के अंदर करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं अपने कुछ जानकारी के अंदर जो है हाइड करने के लिए ये प्रोसेस जो है यूज कर रहा हूँ मैं। तो आपको देखिए यहाँ पे सिंपली register.cse.gov.in /register/banking के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे करंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना होगा। जिस भी VLY का अभी तक करंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ या जिसने करंट अकाउंट के लिए अप्लाई अभी तक नहीं किया तो अभी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पहले एरर आ रहा था जिस तरह से मिसमैच का, तो इंटर कैप्चर कोड जो पहले मिसमैच हो रहा था तो अभी से आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो अभी तक डीजीपे के अंदर डिपॉजिट सर्विस जो है लॉन्च नहीं हुई। तो ये इस तरह से अगर आपके पास कोड आ जाता है 503 का तो कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है रिटर्न सर्विस का। तो ये देखिए अब से आप ये सब समझ सकते हो कि डीजीपे का सर्वर जो है पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है। तो आप इसके अंदर अभी पैसे का ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकते। ये अभी भी बंद हुआ है, लगभग मैंने आज ही इसका ट्रांजेक्शन किया था, लगभग 10-15 हज़ार का मैंने ट्रांजेक्शन किया था आज ही, आज की डेट में। तो इसके अंदर कुछ अपडेट्स आ रहा है, हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर एक कैश डिपॉजिट की सर्विस जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगी। तो उसके बारे में मैं भी आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपको जो है वो वीडियो आप देख लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप सिंपली जब मेरा वीडियो प्ले होता है तो उसके अंदर एक लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जो है सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना होगा। देखिए मैं अपने YouTube अकाउंट के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ, तो आपके सामने अगर आप कोई भी मेरा वीडियो अगर प्ले करते हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर आप कोई भी वीडियो अगर मेरा प्ले करता है इस तरह से तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से सब्सक्राइब बटन आपको जो है मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी अपने ही अकाउंट के अंदर लॉगिन हूँ तो आपको ये सब्सक्राइब बटन नहीं दिखेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने अकाउंट से साइन आउट करने के बाद।
इस तरह से आपको जो है मेरा सब्सक्राइब बटन आपको दिख जाएगा। आप अगर सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो आपके जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है आपके पास पहुंच जाएंगे। आप सिंपली मेरे चैनल को एक कॉर्नर हिंदी के नाम से सर्च कर सकते हो। या फिर विषय से सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आपको ये बताना जरूरी है। यदि सभी वीडियो मेरे ही वीडियो है तो सिंपली आप देखिए इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको लाल बटन दिखाई देगा, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आप जो है अपडेट रह सकते हो। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर देखिए आपके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसके अंदर आपको ये सभी पढ़ना होगा। इसके अंदर कुछ कहा गया है कि आपको जो है ये अकाउंट जो है सीएससी की तरफ से ओपन कर लिया दिया जा रहा है सीएससी के लिए। उसके बाद आपको जो है ये अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ ओपन कर दिया जा रहा है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तभी आप जो है करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। ये आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया है इसके अंदर, उसके बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और इनके रूल है इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर कहा गया है कि ये देखिए 6 नंबर के कि आपको जो है इस अकाउंट के अंदर चेकबुक या एटीएम डेबिट कार्ड इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप इसके अंदर नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का यूज करके अपना पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। इनकी चार्जेस भी कुछ दिए गए यहाँ पे, आप सिंपली मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इनके कुछ चार्जेस भी यहाँ पे दिए गए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ इसके अंदर पढ़ के बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अकाउंट फॉर सीएससी वीएलई WEF 1 सितंबर 2016। तो 2016 के अंदर उसके बाद इसके अंदर कुछ भी अपडेट अभी तक नहीं किया गया, उनके रेट जो है सेम ही है। तो देखिए इसके अंदर आपको जो है मंथली एवरेज बैलेंस कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ आप इसके अंदर इन्होंने कुछ चार्जेस यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे लोकल अगर आप उसी लोकल एरिया के अंदर उसी बैंक के अंदर आपका जो एरिया है लोकल उसमें अगर आप किसी कस्टमर का चेक अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर इंडसइंड बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप डिपॉजिट करते हो एनी लोकेशन ऑफ इंडसइंड बैंक का कोई भी लोकेशन के अंदर अकाउंट है किसी कस्टमर का, उससे अगर आपने चेक लिया है तो आपको जो है किसी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आप रहते हो दिल्ली के अंदर, अगर आप लगाते हो मुंबई के अंदर इंडसइंड बैंक है उसका चेक अगर आप लगाते हो दिल्ली के अंदर तो आपको पूरी तरह से फ्री रहेगा, और होना चाहिए वो इंडसइंड बैंक का ही चेक होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप आउटसाइड आउट स्टेशन ऑफ चेकबुक्स डिपॉजिट का अगर आप अपने अकाउंट के अंदर चेक लगाते हो
तो आपको देखिए यहाँ पे 25, 15, 100, 200 इस तरह से आपको जो है चार्जेस इनको देने होंगे। तो हमें इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि सीएससी का जो अकाउंट इंडसइंड बैंक के अंदर ओपन करा दे रही है, तो उसके अंदर आपको जो है ई वॉलेट की तरह ही ये बैंक अकाउंट आपका काम करेगा। इसके अंदर आप जिस तरह से आपने देखा होगा पेटीएम, मोबिक्विक, रिचार्ज, इस तरह से कुछ ऑनलाइन ई वॉलेट से जिसके अंदर आप अपने अकाउंट से पैसे डाल सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो उसी तरह से इंडसइंड बैंक का हमारा अकाउंट तैयार होने वाला है, तो आप इसके अंदर भी उसी तरह से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। इंटरनेट के द्वारा ई कैश ही आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कैश डिपॉजिट पे भी इनका जो है चार्जेस, इनकी चार्जेस जो है लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगभग 1 लाख तक ये फ्री की जो है ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो, कैश डिपॉजिट अगर इसके अंदर करते हो तो फ्री है 1 लाख तक। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे, चार्जेस इनको देने होंगे। उसी तरह से आज उसके हर सर्विस के लिए इनके पास चार्जेस है। सिर्फ अगर आप यूज करते देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर चेक भी आपका रिटर्न आ जाता है तो उसके लिए भी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक जो है यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं। ये हमारे लिए लग रहे हैं सिर्फ सीएससी भाई के लिए, क्योंकि हमें जो अकाउंट ये यूज़ करना है सिर्फ डीजीपे के लिए जो है हमें अकाउंट ये दिया जा रहा है, तो हमें सिर्फ उसी के लिए यूज़ करना है, इसलिए इनके चार्जेस जो है कुछ अलग है। क्योंकि आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है करंट अकाउंट फॉर सीएससी। ये सभी चार्जेस जो है सिर्फ सीएससी के लिए ही लग रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इंडसइंड बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से जो है चार्जेस के अंदर कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, कुछ आगे प्रोसेस करते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे करंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स इनका पढ़ना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपने पास सभी चार्जेस जो है सेव कर सके रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपली आधार नंबर, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट यहाँ पे डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे कैप्चर कोड डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए जो कि आप जो है इसके साथ सभी इनकी टर्म एंड कंडीशन जो हमें हमने आपको अभी पढ़ के बताए थे तो उसके साथ आप एग्री हो, ताकि बाद में आपको जो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको इस तरह से वहाँ पे इंडसइंड बैंक की तरफ से आपको कहा जाएगा कि ये हमारा रूल ही था। तो आप ये सभी रूल्स अच्छी तरह से इनके पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ से आगे बढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ उसके बाद में प्रोसेस जो है किस तरह से प्रोसेस इनकी जो है होगी। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे आपकी जो है अपने आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पे अपना सिर्फ फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, इतना ही आपको वहाँ पे फिल करना होगा, बाकी सब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो अपना यहाँ पे नियरेस्ट ब्रांच आपको यहाँ पे चुनना होगा कि आपके पास आपके एरिया में किस जगह पे आपको जो है नियरेस्ट ब्रांच है आपके एरिया के अंदर। तो मेरे एरिया के अंदर जो है ब्रांच नहीं है, लगभग 60 से 70 किलोमीटर के ऊपर ये बैंक है, तो मैंने नियरेस्ट ब्रांच मेरी वही आती है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नॉमिनी की अगर आप डिटेल्स देना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिटेल्स जो है दे सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे यस कर सकते हो, उसके बाद आप जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स के अंदर आपको अपना आपके ऑक्यूपेशन, बिजनेस लाइन, उसके बाद नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
मंथली इनकम आपकी कितनी है, सब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो आपको ये फिल करना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो हेल्प अस टू नोन यू आर बेटर, तो यहाँ पे सेल्फ को यहाँ पे देख सकते हो आप, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सोर्स ऑफ फाउंड, तो आप यहाँ पे सिंपल अदर पे क्लिक कर सकते हो, या आप सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, किस तरह से का जो आपका सोर्स है इनकम का। उसके बाद आप यहाँ पे नियरेस्ट बैंक ब्रांच भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ये मैंडेटरी आपको यहाँ पे सेट करना ही करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसी तरह आप रहने दें, उसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक करके सिंपली सबमिट माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेरा एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हो चुका है। देखिए यहाँ पे डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपको मैसेज इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद सिंपली आप देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन जो है अभी अंडर प्रोसेस के अंदर आपको दिखाई देगा, तो आप सिंपली यहाँ पे इस नंबर को नोट करके रख सकते हो। देखिए इस तरह से आप इसको कॉपी करके, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको जो बाद में किस तरह से आपको जो इसके अंदर चेक करना होगा। देखिए आप करंट अकाउंट के ऊपर आप यदि करंट अकाउंट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली फिंगरप्रिंट या आयरिस के ऊपर क्लिक करके भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हो। अगर आपको कैप्चर कोड ठीक तरह से दिखाई ना दे तो आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आइदर योर रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन और अंडर यू। तो ये देखिए हमने अभी अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात हो गई कि इसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है। एक 8 से 10 दिन में हमारा जो अकाउंट नंबर इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।